सत्यवान नाम है मेरा और मैं गांव रेड़ा से हूँ। रेड़ा? अच्छा, एक्चुअली मैं पहले पोल्ट्री का काम करता था और ये 2020 में होया नहीं सिस्टम है, मेरे पास काफ़ी मुद्दे थे और काफ़ी लॉस होया, तो मैं इसका भुगत भुग ही रहा हूँ। लेकिन पहला मेरा इन बताऊँ जो ट्रक्स कंपनियाँ हैं ये कुछ कुछ खेल कर रही हैं और मैं पीछे पास कमाने का चक्कर में, तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा भाई थोड़ा बहुत इनका लॉस करना चाहिए, मतलब एक रिवेंज की भावना थी मेरे, तो उसके लिए मैंने थोड़ी डॉक्टरी सीखी, वो उसकी BRC वाली और वहाँ। अच्छा, वो ये मतलब तिरुपति में सीखा है। अच्छा माँ भाई ऐसे इनको थोड़ा बहुत लॉस आप कर सकते हो नहीं, पर लोगों की शिकायत है भैया न्यू ना ठगो था मैं, ठगे जाओ। हाँ ठगे जाओ। तो इसके लिए मैंने 2-3 महीने राजंत काम भी कराया ये सब। अच्छा फिर ये जब, अच्छा मेरा भी खेल समझ में आ रहा था, मैं वहाँ भी था, मतलब इसमें कम से कम 4-5 महीने मैंने वहाँ दिल्ली लाए, रसोई काम के पास था हमारा काम का सिस्टम है, तो लेकिन पूरी डाल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने इसका नाम जरूर सुना था, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है नहीं, इसका नाम मैंने 4-5 साल पहला पाकिस्तान में एक असरनिसार है, अच्छा फिलोसफर है वहाँ का, तो उसका वीडियो मैंने देखा था, उसकी गलत था मैंने बेरा उन्हें उत्तो वहाँ के चल रहा है, वो अमरीका में उसके बेटे हैं जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर हैं, उन्हें पता बोले पापा ये जो दुकान दुकान है नहीं है शोरूम वगैरह, ये सारे 8-10 साल का खेल है, ये सारी ट्रांसपोर्ट खत्म, मतलब पता नहीं क्या होना है। अच्छा उस वह बात मेरा जब याद आई, जब डॉक्टर साहब की मैंने वीडियो देखी पहली बार, वो निर्वाण है जो थोड़ा मर रहा था देखी मैंने पहली बार, माँ भाई कुछ ना कुछ लोग जागरूक तो हो रहे माँ। अच्छा लेकिन मैं तो अपना लेवल पर था, मेरे तो दिमाग कुकरन उक रहे लोगों की समझा, मैं पाछा पढ़ पढ़ गया उनको DIP डाइट देते गए या वाल। अच्छा लेकिन अब तक भी समझ में नहीं आ रही इतनी, मैं जैसे सोचूंगा नहीं माँ एकदम लोग कहेंगे यार तू ठीक हो, वहाँ कुछ नहीं समझ में आता, पाछा पढ़ पढ़ गया, बड़ी मुश्किल तय ठीक बोला ले करने पड़े, कई तो बंदे ऐसे हो गए मैं गाड़ी में ले जाऊँ शाम में घर छोड़ता हूँ, ले जाऊँ शाम में छोड़ता हूँ, हफ्ता पाछा मैं मोटरसाइकिल पर लेके चलता बहुत। अच्छा तो मेरा कहना का मतलब, अच्छा बाकी टाइम मेरे पास वो पोल्ट्री पल्ट्री अपना काम छोड़ दिया मैंने, कराया 1.5 साल वो पैसे पूसे तारे। अच्छा ये मेरा ठीक हो गया, बस मैं नए गाँव में रहूँ मैं, अच्छा खेती बाड़ी करूँ। अच्छा लेकिन वो मतलब, अच्छा घर आते भी आते वो पिताजी टीचर हैं, बस जमीन है, अच्छा मतलब घर वाली इतनी समस्या नहीं है भाई, बच्चे की फीस पास पर नहीं है ये वो, वहाँ से ठेका ठाका में चल जाएगा ठीक है। अच्छा तो मेरे पास है टाइम है खूब है, तो मैं अभी फ्री हूँ सर, बहुत बढ़िया। अच्छा इसे काम कहता हूँ, सभी को सादर प्रणाम, मैं शिषपाल आर्य गाँव हरसोला जिला कैथल, इलेक्ट्रिशियन का मेरा काम है और मैं काफ़ी दिनों से डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ हूं, और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और बहुत सारा मतलब इसमें मटेरियल मैटर आता रहता है फ़ोन में, ये सारा कुछ छोड़ करके डॉक्टर साहब की वीडियो, विश्वरूप राय चौधरी की, तरुण कोठारी की, विलास जगदाले की, कपिल बजाज की, नीलेश ओझा की और युवान भाई, मतलब ये बहुत सारे मतलब साथी इसमें जो काम कर रहे हैं षड्यंत्र के खिलाफ, तो उनकी वीडियो को ज़्यादा फॉलो किया करें, क्योंकि आज ये सामयिक जरूरत है, समय की मांग है। और अब बहुत से भाइयों ने कहा कि मैं डॉक्टर साहब के लिए इतना समय दे सकता हूँ, मैं इतना समय दे सकता हूँ, डॉक्टर साहब इसलिए मतलब आपके बारे में ये बोल रहे हैं क्योंकि आप इस आंदोलन के और समाज के पर्यायवाची बन चुके हैं पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि आपका जो त्याग है, आपकी तपस्या है, वो किसी से छुपी नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी ईमानदारी से बताना, एक बीमारी है तपेदिक की, TB की बीमारी है, जो मतलब एक्सपर्ट लोग हैं मेडिकल लाइन के, उनका कहना है कि वो 1 से 18 आदमियों तक लग सकती है, संक्रमित हो सकता है, उसका संक्रमण हो सकता है 1 से 18 आदमियों तक, मतलब किसी भी सरकार ने आज तक तपेदिक के रोगी को मास्क लगाना अनिवार्य किया या लगाने की कोई मतलब कोई बात करी नहीं करी, जबकि मतलब तपेदिक का बहुत खतरनाक रोग होता है, बहुत खतरनाक संक्रमण होता है। और दूसरी बात, आज तक हमने ये नहीं देखा कि भाई कोई बीमार आदमी है, खुद मरीज है और वो मतलब अपना इलाज नहीं करवाना चाहता और डॉक्टर उसकी तलाश में घूम रहा है कि वो कहाँ से यार मैं उसका इलाज करूँ, आज तक हमने तो देखा नहीं। ये मतलब बिना मतलब का ये जो ड्रामा रचा जा रहा है पिछले 2 साल से, ये एकदम से, मैंने तो पहले दिन जैसे भाई साहब कह रहे थे कि पहले दिन से हम तो 200% इस बात से वाकिफ थे कि मतलब ये ड्रामा है, षड्यंत्र है, तो इसी प्रकार जब ये वुहान चीन का जो ये ड्रामा सा आया था चलते चलते गिरने का कि ये फलाना वायरस आएगा दिखड़ा,
वायरस आ गया, तो मैंने तो एक कहीं से नंबर लेकर के एक रिसर्चर से फोन किया, उससे बात करी, मैं तो पहले दिन से संतुष्ट हो गया था क्योंकि मैं राजीव दीक्षित को भी फॉलो करता हूँ, काफ़ी वीडियो मैंने उनकी सुनी है, सैकड़ों वीडियो में उनकी सुन चुका हूँ। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, मतलब एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा सभी को, आपस के मतलब मनमुटावों को भुला करके और एक झंडे के नीचे आकर के इस षड्यंत्र के खिलाफ हमको संगठित होकर के लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस षड्यंत्र के शिकार होने से बच सकते हैं, नहीं तो कोई रास्ता दूसरा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वैसे तो सभी सरकारें सभी पार्टियां इस षड्यंत्र में शामिल हैं, लेकिन सवाल उन्हीं से किया जाता है जो सत्ता पक्ष में पार्टी होती है। अब सोच समझ के मतलब ऐसा सोच करके हमें कुछ अपेक्षाएं हमारे मन में थी कि मतलब ये मतलब पार्टी, ये मोदी जी कुछ देश के लिए अच्छा करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, लेकिन वो बात होगी बस एक देसी भाषा में एक चुटकुला कह लो या मतलब कोई बात कह लो, मतलब उसको बता करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक कुटिया में बाबा रहता था और वो डेली रोटी सब्जी दूध की मांग के ले आया करता आप आसपास के मोहल्ले से, तो मतलब कोई सज्जन उसको बोला कि बाबा जी आप बूढ़े हो चुके हैं, मतलब इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो, किसी चेले को मुंड लो, उस चेले को भेज दिया करो। तो उन लोगों के कहने से मतलब उसने कोई चेला मुंड लिया, तो चेले को बोला बाबा के बाबा जी ओ के चेला नुके के मांग के लिया भाई, जानी वगैरह रोटी सब्जी दूध की मांग के लिया पड़ोस में थे। चेला बोला नुके के मैं मांग के लिया खातर थोड़े चेला बनया उनके तेरा, मैं तेन कहा सोराम कण खातर चेला बनया हूँ, मांग के तो तने लाना पड़ेगा, और जे तो नहीं देगा मैं खोस के खा लूंगा, मैं तेरे तकड़ा हूँ उनके। फिर मजबूर का बाबा ने जाना पड़ा, फिर वो आगे था, फिर वो आदमी मिल गया, निका बाबा चेला मुंडा था, निका भाई चेला को नहीं तो जवाई उनको धोखा में जवाई मुंडा गया भाई, धोखा में यह सरकार बनाई गई और इसका मतलब भुगतान हम भुगत रहे हैं। तो मतलब मेरा तो यही कहने का मतलब है कि षड्यंत्र के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा अपने गांव लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने जिसमें सामर्थ्य है मतलब वो सारे मिल करके मतलब इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़े। बस इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई जसविंदर डोडर 16, मैं किसान हूँ और दुवेंद्र वलैरा जी से मैं पहले भी मिला, चाचा जी कई बारी शिशपाल जी बात कहते थे कि एक जो हमें इस बीमारी के उसमें लोगों को डरा रहे हैं, एक दुवेंद्र वलैरा जी हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनसे एक बार मिलना चाहिए। तो इसी उसमें मेरे गांव में प्रोग्राम था और मैंने बहुत ध्यान से उसको सुना, तो उसमें मुझे एक चीज़ तो बिल्कुल महसूस हुई कि दुवेंद्र वलैरा जी समाज के लिए अच्छा करेंगे। उसका ये कारण था क्योंकि जब इन्होंने बात की कि पढ़ाई सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं इनको बचा लो, तो उससे एक दिमाग में ये बात आई कि जो आदमी ग्रामीण स्कूल के बच्चों के बारे में सोच रहा तो उसकी सोच अच्छी होगी, और उसके बावजूद उसके आगे जो ये मास्क के रूप में करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, मास्क जानबूझकर लगा रहे हैं। और तब भी मुझे महसूस हुआ कि जब मजदूर या कोई भी आदमी हो मोटरसाइकिल पे अगर बिना मास्क आता है तो उसके 500-500 हज़ार रुपए के चलान काट दिए जाते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी दिहाड़ी पे या मजदूरी पे जाता है तो उसको 500-400 रुपए मिलते हैं और उसका वही चलान काट दिया जाता है। तो इस उसमें सरकारें लूटना चाह रही है आम किसान मजदूर को, और दुवेंद्र वलैरा जी जागरूक करके लोगों को बचाना चाह रहे हैं। तो इस कड़ी में मैं भी एक किसान होने के नाते दुवेंद्र वलैरा जी के साथ हूँ। धन्यवाद। Oh.
बस तीन सालों से स्कूल ड्रेस का काम सिलाई स्कूल की मतलब ड्रेस की सिलाई करता था। पूरा स्कूल बंद हो गए, बंद होने के कारण एक ही रोजगार था, तीन सालों के बंद हो गया। दूसरा और कोई रोजगार नहीं था, कोई कोई दुकान का ऑप्शन था या किसी प्रकार का कोई ऑप्शन था, तो कर्जा भी ले लेकर मतलब इतना चढ़ा लिया इतनी चिंता में पढ़ें कहाँ से। दूसरी बात वही बात है, सरकार तो लालच देवे है यहाँ भी सिलेंडर तो देख लो, पहले सब्सिडी देवेंगे सस्ता कर देंगे, धीरे धीरे सब्सिडी और धीरे धीरे मतलब कि वो सारी खा गए और कहाँ पहुँच लिया 1000 रुपये। परवा आने के लिए जनता पैसे नहीं है, काम बंद हो गए कहाँ से परवाएंगे। ये नहीं समझ में आ रहा भाई ये खेल क्या तो चल रहा है, क्या खेल हमारे साथ जनता के साथ सरकार खेल रही है और कहाँ हमारी ज़िंदगी ना ले गई जाए एक मरण की तादार पर। तो बस मेरा तो ये कहना है जनता सरकार मोर्चा की, मैंने जब वीडियो देखी तो हमारे अंदर मतलब कुछ जागृति पैदा हुई कि वाक्य में भाई सच्चाई है और सरकार हर मतलब के जो गांव का है कम पढ़ा लिखा है उसके साथ पूरा खिलवाड़ हो गया हमारी तो खुशी।